आपके अपने चैनल डीपी मैथ्स में आप सभी दोस्तों का स्वागत। आज हम लोग नया टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपके थंबनेल में दिखाई पड़ रहा है कि फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक ही लेक्चर में अपन इसमें कंप्लीट करेंगे। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है और इस इतने बड़े टॉपिक को मैंने ट्राई किया है कि जल्दी से जल्दी इस लेक्चर में कंप्लीट किया जाए। तो फर्स्टली आप इसको देखेंगे और समझेंगे और इसका नोट्स भी बनाएंगे तो आपको फुल फ़ायदा मिलने वाला है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बताने की कोशिश करूँगा फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, वो सबसे पहला नंबर कुछ बातें हैं जो कि हमें सबसे पहले जानने ज़रूरी है। जैसे है रियल नंबर्स के बारे में जानना। तो रियल नंबर्स मीन्स हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर आपको सबको मालूम है कि रियल नंबर जो है रेशनल नंबर अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों से मिलकर के बनता है। इसमें सभी प्रकार के संख्याएँ आती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो, जितने नंबर आप लोगों ने पढ़े हैं वो सब के सब नंबर क्या है, रियल नंबर के रूप में आते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको सौंप दिए हैं। ये सब रियल नंबर हैं, ये भी रियल नंबर है, ये जितने भी हैं ये भी सब रियल नंबर हैं, ये भी रियल नंबर, सब के सब रियल नंबर हैं। इसके बाद में दो बातें आती हैं, एक होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी आपको मालूम होगा कि ऐसा कोई नंबर है जिसे पी वाई क्यू के रूप में रखा जाता है ना, वही क्या है रेशनल नंबर है। यहाँ क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं होती है और पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। यह है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की कहानी होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक तो शांत होते हैं। अगर ये शांत नहीं है और अगर ये अशांत है, तो अशांत है तो इसका मतलब है कि दशमलव के बाद में ये लगातार रिपीट होंगे, ये इनकी खासियत होती है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं रख सकते, सीधी सी बात है। और ये जो नंबर्स होते हैं वो अशांत होते हैं, मतलब शांत नहीं होते हैं, ये कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लो 0.303003003, तो अशांत होते हैं। इसकी दूसरी खासियत ये होती है, अशांत होने के साथ साथ में इनमें रिपीटेशन नहीं होता है, तब ये समझ लेना कि ये रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं या रेशनल नंबर होते हैं, उसी प्रकार दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, ये सब आप जानते रहना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कुछ बातें हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है, जब हम लोग क्वेश्चंस फंक्शन वगैरह के करते हैं तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं। हमारे पास जब भी कभी पॉजिटिव नंबर का सेट दिया जाए तो इसका मीनिंग ये होता है कि हमें वो संख्या एक से स्टार्ट करनी है, 1, 2, 3, 4। अगर नॉन निगेटिव इंटीजर दिए जाए तो इसमें जीरो और मिला देना है। पॉजिटिव रियल नंबर की बात की जाए तो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब है 0, इनफाइनाइट, 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा। आर नॉट का मतलब क्या होता है, 0 को छोड़कर समस्त वास्तविक संख्या। इवन नंबर मालूम है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से कट जाए और एक से कट जाए। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने बता दिया कि रेशनल नंबर में क्या होता है, या तो ये शांत होगा, अगर ये शांत होगा तो इसमें डिजिट जो होगी पॉइंट के बाद में रिपीट होगी। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, 0 के सबसे लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं सब के सब निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब 0 से लेकर के -1, -2, -3 -, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट। निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर में आप कह सकते हो कि -∞ से लेकर के 0 तक ये निगेटिव रियल नंबर्स हैं। इसी प्रकार ऑड नंबर सबको आप जानते हो, इमेजिनरी नंबर आप जानते ही हो, जैसे a+ib के रूप में लिखा जाए या i, ओमेगा, ये सभी क्या है अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑब्सोल्यूट वैल्यू इज कॉल्ड द मॉड एक्स, मॉड एक्स इज द ऑब्सोल्यूट वैल्यू। इसकी कंडीशन क्या होती है आपको बता दें, x की वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो प्लस एक्स हो जाता है और लेस देन 0 है तो -x हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द ऑब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड एक्स का जो विशेषता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो होती है 0 होती है, 0 से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। ये कुछ बातें हैं, इनको आप लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जिसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ बातें हैं, इसकी कुछ विशेष बातें हैं जिनको अपने दिमाग में रखना ज़रूरी होता है। जैसे मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी हम ए से छोटी रखें, जैसे कभी आपके मान लो मॉड एक्स इज लेस देन ए है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए है बट लेस देन आर इक्वल टू ए है, राइट। ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना जरूरी है बिकॉज इस पर क्वेश्चन आता है, राइट। दूसरी बात अगर मान लो ऐसे आ जाए, जैसे ए चीज़ दिया गया है मॉड एक्स की वैल्यू
ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए दिया जाता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि x की वैल्यू जो है लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए है, राइट, या इसका ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस ए है, सॉरी इसका अगर इस तरह कंडीशन आ जाए तो x की वैल्यू a से बड़ी है और माइनस ए से छोटी है। ये दोनों बातें आपके सामने होती हैं, सीख लेना आप डायरेक्टली, ठीक है, ये दोनों बातें आपको सीखनी जरूरी है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई, हमेशा ये ध्यान रखना, ये हमेशा होता है, और अगर मान लो इसी के बीच माइनस लग जाएगा तो हमेशा ग्रेटर होता है। मॉड एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, ये भी ऐसे होता है, ये जनरल बातें हैं, इनको कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग होता है, जैसे मैंने बताया अगर सी क्या इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? सी होगी। अगर सी प्लस एच ले लो तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? इंटीजर होगी। और सी माइनस एच ले लो तो इसकी वैल्यू हमेशा सी माइनस एन होगी। इसके ग्राफ भी आप लोग खींचे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे मान लो आपने 2 लिया तो 2 का वैल्यू 2 होता है। अगर आप 2.1 लेते हो तब भी 2 ही होता है, लेकिन अगर -2.1 लेते हो तो ये वैल्यू क्या होगी? इंटीजर में एक हमेशा कम हो जाती है, -3 होती है। ये है कुछ विशेषताएँ, इनको आप ध्यान दे देंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट को एक्स को हम लोग एक्स से व्यक्त करते हैं, जिसकी मीनिंग होता है कि जो एक्स है उसमें से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को घटा दें तो इससे क्या होता है? हमारा फ्रैक्शनल पार्ट निकल आता है। फ्रैक्शनल पार्ट की कंडीशन क्या होती है? फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमेशा क्या होता है? जीरो से तो बड़ा आएगा, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू हमेशा कितना आएगा? वन आएगा। ये विशेष बातें हैं जो कि आपको यहाँ पर जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो जीरो से बड़ी आती है, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू क्या आती है? वन आती है। चलो हम लोग इसके बारे में कुछ देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर? इसमें है कुछ विशेष बातें हैं जो कि हमें जानना जरूरी है कि अगर मान लो कि महत्तम पूर्णांक फलन एक्स है, अब उसके साथ में महत्तम पूर्णांक फलन एक्स का निगेटिव है, तो हमेशा ये ध्यान देना अगर एक्स इंटीजर है, एक्स की वैल्यू क्या है? इंटीजर से बिलोंग करती है, तो हमेशा इसके मान को हम लोग जीरो लेते हैं। अगर x की वैल्यू मान लो इंटीजर से बिलोंग नहीं करती है, इंटीजर बोले तो 1, 2, 3 या -1, -2, तो हमेशा ध्यान देना इसकी वैल्यू -1 के बराबर आती है, ठीक है। किसके बराबर आती है? -1 के बराबर आती है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखे रहेंगे क्योंकि ये हमें आगे काम देगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब आगे अपने पास में जो कंडीशंस आने वाली है, अपने पास में दो बातें हमने सीख ली। अगर ए बातें हैं, एक्स जो है बिलोंग करेगा इंटीजर से तो जीरो होता है, एक्स अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, राइट। लेकिन इसी प्रकार से हमारे क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में भी होता है, एक्स अगर इंटीजर से बिलोंग करेगा तो जीरो आएगा, इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, फ्रैक्शनल पार्ट का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जो अंतराल होता है, टाइम पीरियड जो इनका अंतराल होता है वो कितना होता है? हमेशा 1 आता है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में आएगा तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इंटरवल के बारे में आप सब जानते होंगे, ओपन इंटरवल क्या होता है? जैसे x की वैल्यू a से बड़ी है, लेस देन b है, इसका मीनिंग है a और b के बीच में सारी वैल्यू लेनी है, और a की वैल्यू a से बड़ी है बराबर है, लेस देन इक्वल टू b है, इसे बंद अंतराल बोला जाता है, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में आपने जानता, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी है, या एक बार देख लेंगे, थ्योरी आप पढ़ लेंगे उसमें आप क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन के बारे में बताना है, फंक्शन देखो क्या होता है, फंक्शन के बारे में मैं जनरली बता दूंगा, वैसे इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। फंक्शन क्या है? जनरली बेसिकली बात देखें आप यहाँ पर कि अगर मान लो अपने पास में कोई दो सेट दिए गए हैं, इस सेट में मान लो ए बी और सी एलिमेंट है, इसमें मान लो डी ई और एफ एलिमेंट है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हमारे सेट ए में स्थित हैं, उस जितने भी सेट ए में स्थित एलिमेंट हैं सबका इमेज जो होना चाहिए बी के साथ बनना चाहिए, और जितने भी इमेज बनने चाहिए सब अद्वितीय बनने चाहिए, मतलब इसमें उपस्थित जितने भी अवयव हैं सबका सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए। जैसे ए का मान लो डी के साथ बन गया, बी का मान लो इनके साथ बन गया, सी का मान लो एफ के साथ बन गया। अब ए का सिर्फ एक ही इमेज है डी के साथ में। अब यही ये तो क्या है? फंक्शन है, लेकिन यहीं पर ए जो है अपना ई के साथ में भी इमेज बना लेता, तब ए के दो इमेज हो जाती, तब ये क्या है? फंक्शन नहीं होता। तो इसमें सिर्फ अपनी बात ये देखनी है कि जब भी कभी फंक्शन की डिफिनीशन आपको देखनी है तो ध्यान देना इसमें जितने भी एलिमेंट होने चाहिए सब, जितने भी एलिमेंट होने सबका
सबके इमेज बनने चाहिए और वो भी एक एक इमेज बनने चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे इसमें देखो ए का भी एक है, बी का भी एक है, सी का भी एक ही इमेज बन रही है, ए का एक इमेज बन रही है, बी का दो इमेज बन रही है, देखो सी का इसमें कोई इमेज नहीं बन रही। इसका मतलब मैंने बताया सारे के सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, इसका मतलब इसकी नहीं बन रही फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ए के दो इमेज बन रही है, एक तो वन बन रही है, एक टू बन रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। यही बातें इसमें यहाँ पर इन्होंने लिखी है और मैंने आपको डायरेक्टली समझा दी। दूसरी बेस बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ द फंक्शन के बारे में जानना। जैसे मान लो इसमें ए है अपने पास में पहला सेट, इसमें उपस्थित एलिमेंट है एम, एम नंबर एलिमेंट है, इसमें मान लो एन एलिमेंट है। और अगर मान लो एम एलिमेंट इसमें है और एन एलिमेंट इसमें है, और किसी ने पूछा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने इसमें बनेंगे, हाउ मैनी फंक्शन विल बी पॉसिबल इन इट, तो आप बोलोगे साहब एन की पावर एम, एन की पावर एम फंक्शन। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछ जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एन की पावर एम फंक्शन यहाँ पर बनेंगे, ओके। चलो आगे चलते हैं, डोमेन कोडोमेन और रेंज के बारे में जानते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है अपने पास में एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, ए फंक्शन है और इसको हमने ए को हमने इस सेट से ऐसे व्यक्त किया और बी को हमने ऐसे व्यक्त किया, ठीक है। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब तो क्या होंगे, डोमेन के, वो सब क्या होंगे, डोमेन के अवयव कहे जाएंगे। और जब बी के जितने भी अवयव होंगे वो क्या कहे जाएंगे, कोडोमेन के अवयव कहे जाएंगे, कोडोमेन मतलब सह प्रांत के अवयव कहे जाएंगे। और जितने के साथ में प्रतिबिंब बना हुआ है उतने अवयव जो हैं वो अपने रेंज के अवयव कहे जाएंगे। ये बातें विशेष करके आप जानते रहें, उतने ही क्या कहे जाएंगे, रेंज कहे जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ ए बी सी डी, ए के अवयव हैं, ए सब क्या हैं, प्रांत के, और ये जो बी का टोटल अवयव है ये सह प्रांत है, और जितने के साथ प्रतिबिंब बन रहा है यही क्या है, तुम्हारा परिसर है या रेंज कहा जाएगा, ठीक है। हम लोग रेंज निकालते कैसे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है। कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको जाननी है। कभी भी मान लो कि अपने पास में रेंज निकालने के लिए दिया जाए, रेंज निकालने के लिए मान लो हमें दिया जाए और कोई फंक्शन मान लो अंडर रूट के अंदर है या मान लो इसकी चार घात है ऐसे कुछ है, तो इसके अंदर अगर मान लो कभी दिया जाए तो आप इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को आप क्या करेंगे, ग्रेटर इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करके एक्स का जो मान निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मान लो कि आपके सामने एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, मान लो आपके सामने एफ एक्स अपॉन जी एक्स है और अपने आप को क्या है, डोमेन निकालना है, तो सबसे पहले अपने आप को क्या करना है, एफ एक्स का डोमेन निकालना है, फिर जी एक्स का डोमेन निकालना है, जो आए उन दोनों डोमेन के इंटरसेक्शन में वो वैल्यू घटा देनी है जिसके लिए जी एक्स मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है जीरो हो जाए। तो ये समझ लेना एफ एक्स अपॉन जी एक्स का क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा, राइट। अब इसी प्रकार से मान लो कोई फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है या मल्टीप्लाई किया गया है तो हमेशा ध्यान देना पहले आप इनका डोमेन निकाल लो फिर इनका डोमेन निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो अपना क्या है, फाइनल डोमेन आ जाएगा। रेंज के लिए मोटे तौर पर हम आपको बता दें, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया जाए तो y को ट्राई करो x को y के रूप में लेके आओ, तो x को जब आप y के रूप में लेके आओगे और y की वो समस्त वैल्यू रखोगे जिसके लिए x जो है मतलब प्रांत क्या है, सेटिस्फाइड हो जाए, तो y जो है वही क्या कहलाएगा, अपना रेंज कहलाएगा। ये चलो क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। विशेष बात ये ध्यान देना कि रेंज जो होता है, जो परिसर होता है, वो अपने कोडोमेन का सबसेट होता है। विशेष बात, वो अपने कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। ये बातें सब यही लिखी हुई हैं, आप इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे, बाकी मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आपको। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, आगे कुछ विशेष बातें हैं। अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन इज़ टू ईजी। इसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन फंक्शन का, एडिशन सबस्ट्रैक्शन फंक्शन का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन, डिवीजन ऑफ द फंक्शन, ये सबको ईजिली मालूम है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। दो फंक्शन इक्वल फंक्शन कब कब होते हैं, दो फंक्शन इक्वल फंक्शन तो होते हैं जब उनके डोमेन बराबर हों, उनके कोडोमेन आपस में बराबर हों और उनकी जो वैल्यू निकल के आए, जैसे मान लो दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स बराबर करोगे उनकी जो वैल्यू निकल के आए वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब फंक्शन के टाइप्स के बारे में जानते हैं। देखो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन
में पहला जो टाइप होता है उसे बोला जाता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब होता है एक एक ही फलन। इसमें क्या होता है कि जितने भी, जैसे मान लो फंक्शन दे दिया f such that a tending to b, तो a इज़ द फर्स्ट सेट, सेकेंड b सेट है, तो इसके जितने भी अवयव हैं अपने समुच्चय a में, सेट a में, उनके सब के सेट b के साथ में एकदम यूनिक प्रतिबिंब बनने चाहिए, मतलब इमेज बननी चाहिए, उनके एक से ज़्यादा इमेज नहीं होने चाहिए, उतने ही इमेज यहाँ पर होने चाहिए, एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर मान लो सेट ए में उपस्थित कोई भी एक अवयव की, कोई भी अवयव है, जैसे ए के है, ए के है, इन दोनों अवयवों की सेम इमेज बन गई, अलग अलग नहीं बल्कि सेम इमेज बन गई, तो इनको बोला जाता है मैनी वन। क्या बोला जाएगा? मैनी वन फंक्शन बोला जाएगा। तो दोनों में इतना अंतर आ गया, अगर एक ही इमेज बनेगी तो वन वन, अदरवाइज मैनी वन फंक्शन बोला जाएगा। जब भी कभी इनके बारे में बात की जाती है तो फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, आपस में बराबर करके उनके डोमेन की वैल्यू को बराबर कर दें, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो आपस में क्या होंगे, वन वन होंगे। वन वन फंक्शन के बारे में विशेष बात अगर ग्राफिकली हम लोग जानने की कोशिश करें, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसको वन वन बोलना है, तो आप एक काम करो उसका ग्राफ खींच दो। जैसे मैं आपने उसका ग्राफ खींचा, अब ये आ गया, और ये ग्राफ क्या है, लीनियर है, तो एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचो, अगर वह एक बिंदु पे काटे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वन वन फंक्शन होगा। ये ग्राफिकली डिनोट करने का तरीका है। वन वन फंक्शन को इंजेक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंजेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जानते रहो। अब हम चलते हैं आगे। मैनी वन फंक्शन के बारे में हमने बता दिया कि ऐसा फंक्शन जो वन वन ना हो उसे हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, एक बात विशेष आपको जो यहाँ पर जानने जरूरी है, मान लेते हैं कि अपने पास में f such that a tending to b, ये क्या है, एक एक ही फलन है, a में उपस्थित अवयवों की संख्या स्मॉल m है और b में उपस्थित अवयवों की संख्या स्मॉल n है। अब किसी ने पूछ लिया कि बताओ कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, तो ये समझ लेना कि यदि n की वैल्यू जो है m से बड़ी है, n की वैल्यू जो है m से बड़ी है, तो उपस्थित वन वन फंक्शन होंगे एन पी एम, और यदि n की वैल्यू जो है m से छोटी है, तो ये समझ लेना कि इसमें उपस्थित वन वन फंक्शन कितने होंगे, जीरो। मतलब ए वैल्यू अगर छोटी है तो जीरो वन वन होंगे, और अगर ए वैल्यू जो है इनसे बड़ी है तो इसका मतलब ये समझ लेना उसमें उपस्थित वन वन फंक्शन की संख्या कितनी होगी, एन पी एम होगी, या एम बराबर होंगे तब भी इतनी होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये विशेष बातें हैं। मैनी वन फंक्शन मैंने बता दिया, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो ऑलरेडी क्या होगा, मैनी वन फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, मैनी वन फंक्शन के बारे में और भी चेक करना है, जैसे ग्राफिकली आप जानने की कोशिश करते हैं। आप मान लो y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख लिया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख दिया। अब मान लो ऐसा ग्राफ आपने खींचा, ऐसे आ गया, इस तरीके से ग्राफ आया, राइट। अब आप x अक्ष के समांतर रेखा खींचो, अगर ये रेखा एक से ज़्यादा बिंदुओं पर काटे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये फंक्शन उस अंतराल में, जिस अंतराल के बीच में ये वैल्यू दी गई है उस अंतराल में क्या है, मैनी वन होगा, वन वन नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। चलो एक एग्जांपल हमने और ले लिया है, ये मान लो एक हमने एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई ले लिया, एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई ले लिया। अब आप देखो इसका ग्राफ खींच दो, अब आपको एक कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो, ये दो बिंदुओं पर काट रहा है, इसका मतलब ये वन वन नहीं है बल्कि क्या है, मैनी वन है। अगर ये एक बिंदु पे काटता तो क्या हो जाता, वन वन हो जाता, लेकिन यहाँ पर कई एक से ज़्यादा बिंदु पे काट रहे हैं, मैनी वन। उसी प्रकार से मॉड एक्स का ले लो तो आप देखोगे एक से ज़्यादा बिंदु पे काटेगा, इसका मतलब क्या है, मैनी वन फंक्शन डायरेक्टली कह सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, ठीक है। चलो अगली बातें, कुछ अब थ्योरेटिकल कुछ बातें इसमें और लिखी गई हैं, वो आप देख लेंगे ध्यान से। ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन को देखने के लिए सबसे पहले नंबर क्या करना है, वाई इज इक्वल टू आपका कहना है एफ एक्स कहना है। जब भी कभी ऑनटू फंक्शन की बात आए तो एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, y के रूप में लिखना है, ठीक है, y के रूप में लिखना है, और y के वो समस्त वैल्यू लिखनी है जिसके रखने के बाद में x जो है अपने डोमेन में बिलोंग करे, तो वही जो y का वैल्यू होगा दैट विल बी द रेंज, रेंज होगा वही तुम्हारा क्या होगा, रेंज होगा। और ऑनटू फंक्शन की बात हो जाती है कि जब रेंज की वैल्यू अपने को डोमेन के बराबर हो जाए, को डोमेन के बराबर हो जाए, मतलब जितने रेंज के अवयव हैं
उतने ही अपने क्या है सहप्रांत में अवयव आ जाएँ तो इसका मतलब ये समझ लेना वो आंटू आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आंटू फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इनका इनके साथ बन गया, 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 ठीक है। तो यहाँ देखो सारे सारे अवयवों का प्रतिबिंब बन रहा है, कोई छूटा नहीं है। तो इसका मतलब जितनी रेंज है, मतलब जितना परिसर है, उतना ही कोडोमेन का अवयव है। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आए तो ये समझ लेना कि वो वन टू फंक्शन है। अच्छा, विशेष बात जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से है, इसको सर्जेक्शन भी बोलते हैं। अगर मान लो अपने पास में कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, और अपने पास में क्या है, मान लो ए में उपस्थित अवयवों की संख्या या एक्स टेंडिंग टू वाई है, मान लो एक्स में उपस्थित अवयवों की संख्या अपने पास में एम है और इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या एन है, और अगर एन की वैल्यू एक या एक से बड़ी है बट लेस देन आर इक्वल टू एम है, एन की वैल्यू एक या एक से बड़ी है बट लेस देन आर इक्वल टू क्या है एम है, तो ए से बी में आंटू फंक्शन की जो संख्या होती है वो होती है, मैं आपको शॉर्ट में लिखता हूँ, आंटू फंक्शन की संख्या कितनी होती है, माइनस वन की पावर एन माइनस आर इंटू एन सी आर इंटू आर की पावर एम समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन, ए होती है। बाकी मैंने आपको थ्योरी में लिखा हुआ है, आप उसको थ्योरी में और पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। इसको आगे चलते हैं, हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। आगे जो है इनटू फंक्शन, अगर कोई फंक्शन आंटू नहीं है तो निश्चित है वो क्या होगा, इनटू होगा। अगर कोई फंक्शन आंटू नहीं है तो निश्चित क्या होगा, आंटू इनटू होगा। मतलब अगर कोडोमेन और रेंज दोनों की संख्या अलग अलग है तो ये समझ लेना वो इनटू फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ए का बी वन के साथ रिलेशन है, ए टू का बी थ्री के साथ में ए थ्री का, लेकिन बी टू का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब रेंज में तो बी वन और बी थ्री आ गए लेकिन को डोमेन में बी टू एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। आ जाओ मेथड टू फाइंड आंटू फंक्शन। और आंटू फंक्शन मैंने बताया भाई, इसको वाई मान लो और वाई के रूप में कन्वर्ट करो, फिर वाई को चेक करो जिसके लिए एक्स क्या उसके डोमेन में बिलोंग करे। वन वन और आंटू फंक्शन अगर कोई है, कोई फंक्शन वन वन भी है और आंटू भी है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जानते रहें, राइट। अब आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट, अल्जेब्रिक फंक्शन वगैरह के बारे में। आप सीधी सी बात, बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर है कि अल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, कॉन्स्टेंट वगैरह होते हैं, है ना, जिसमें ऑपरेशंस कौन लगे होते हैं, प्लस माइनस इनटू या डिवीज़न लगा रहा होता है, ये सारे ऑपरेशन से मिलकर बनता है, है ना। तो ये सब क्या है, अल्जेब्रिक फंक्शंस के रूप में होता है। पॉलीनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसे हम ए जीरो एक्स फोर एन ए वन एक्स फोर एन माइनस वन एस डैश डैश ए एन के रूप में रखते हैं, ये सब पॉलीनोमियल फंक्शन कहलाते हैं। रेशनल फंक्शन जिसे पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में रखते हैं, जहाँ पी एक्स और क्यू एक्स दोनों ही पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो इस प्रकार के फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। इरेशनल फंक्शन ऐसे फंक्शन जो रेशनल नहीं है उसे हम इरेशनल फंक्शन बोलते हैं, अर्थात जो ऊपर पॉलीनोमियल नहीं है नीचे भी पॉलीनोमियल नहीं है, तो इस तरह का फंक्शन जो है इरेशनल फंक्शन कहलाते हैं। ट्रांसेंडल फंक्शन है ऐसे फंक्शन जो अल्जेब्रिक नहीं है उसे हम ट्रांसेंडल फंक्शन कहते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, सब ट्रांसेंडल फंक्शन कहलाते हैं। ये सब जाते हैं आप लोग थ्योरी से वो भी देख लेंगे, बेसिक बातें हैं। अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पर देखना है आपको, साइन एक्स का डोमेन सबको आना चाहिए। साइन एक्स का डोमेन आर होता है, रेंज होता है माइनस वन से वन। कॉस एक्स का भी सेम टू सेम होता है, टेन एक्स का आर माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, मतलब सारे ऑड का पाई बाई टू से मल्टीपल होता है, और रेंज क्या होता है आर होता है। कॉट एक्स का आर माइनस एन पाई होता है, एन इज इंटीजर और रेंज आर होता है। सेक एक्स में क्या होता है, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू होता है, और यहाँ पर अपने पास में जो रेंज की बात होती है, जो रेंज की बात होती है वो कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट होता है। कोसेक एक्स में क्या होता है, आर माइनस एन पाई होता है, जहाँ एन बिलोंग टू जेड होता है, और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट होता है। ये दोनों वैल्यू सेम होती है सेक एक्स और कोसेक एक्स की, बाकी यहाँ पर आप ध्यान देंगे यहाँ टू एन प्लस वन पाई बाई टू माइनस होता है, यहाँ पर एन पाई होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स के भी डोमेन और कोडोमेन वगैरह के बारे में जानते रहे, रेंज के बारे में जानते रहे। साइन इनवर्स एक्स में उसी का उल्टा होता है, माइनस वन से वन, रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता है, माइनस वन से वन, रेंज होता है जीरो कॉमा फाई। टेन इनवर्स एक्स में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू स्मॉल ब्रैकेट। कॉट इनवर्स एक्स में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, रेंज होता है जीरो कॉमा फाई। कोसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, आर माइनस आपके पास में माइनस वन से वन, और रेंज क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस
जीरो निकाल दो इसमें, सेकेंड वर्स एक्स में आर माइनस वाई माइनस वन से प्लस वन, राइट, और उसके बाद में जीरो से पाई माइनस जीरो टू मिडिल ब्रेकेट पाई बाई टू, पाई बाई टू की वैल्यू निकाल दो इसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनके डोमेन और रेंज के बारे में जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की विशेषताएं जान लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की विशेषताएं क्या होती हैं, दो होती हैं। ये ए इज इक्वल टू वन के लिए डिफाइंड नहीं होता, ये इसमें क्या है, ए इज ग्रेटर देन वन और ए इज लेस देन वन के लिए ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड होता है, राइट। अगर मान लो ए की वैल्यू जो है एक से बड़ी है, ए की वैल्यू एक से बड़ी है तो अपना ग्राफ जो है ऐसे आएगा, ठीक है, और ए की वैल्यू अगर एक से छोटी है तो अपना ग्राफ जो है ऐसे, सॉरी हाँ देखें ऐसे आएगा, मतलब ऐसे इस तरीके से गुजरेगा, राइट। तो ये चीज़ ध्यान देंगे कब, जब ए की वैल्यू एक से छोटी होगी, राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की विशेषता ये होती है कि इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, ये हमेशा जीरो से बड़ी ही आपको देखने को मिलेगी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन बिल्कुल इसी कॉपी है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को उल्टा करते जाओ आपको लॉगरिथमिक फंक्शन मिलता जाएगा। ए भी वन के लिए क्या होता, डिफाइंड नहीं होता। इसके जो प्रांत होता है 0, ∞ मतलब समस्त पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जो इनका परिसर होता है वो हमेशा एक रियल नंबर कैपिटल आर होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर ए की वैल्यू मान लो एक से बड़ी है तो अपने पास लॉग एक्स की ग्राफ इस तरीके से आएगा, और ए की वैल्यू अगर मान लो एक से छोटी है तो लॉग एक्स ग्राफ ऐसे आएगा। लॉग एक्स में भी कंडीशन वही है, लॉग एक्स में भी कंडीशन वही है कि इसका जो प्रांत होता है कभी भी निगेटिव नहीं लेंगे, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो नहीं ले सकते, जीरो से बड़ा लेंगे, ठीक है, समस्त पॉजिटिव नंबर्स। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में ये चीज़ हम जानेंगे। कुछ और भी फंक्शंस हैं जिनके बारे में अपन को जानना जरूरी है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें एक चर को दूसरे चर के रूप में सिंपली लिखा जा सकता है, और एक चर के रूप को दूसरे चर के रूप में लिखा जाता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखना संभव नहीं होता, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स वाई, इसमें एक्स को वाई के रूप में कम्प्लीटली नहीं लिखा जा सकता, इसे इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, सिंपली आप जानते हो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, कांस्टेंट फंक्शन में कि एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ लेकिन वाई इजिकल टू एफ एक्स का वैल्यू हमेशा सेम आएगा, राइट। तो इसका जो प्रांत आता है वो हमेशा रियल नंबर होता है, लेकिन जो परिसर होता है हमेशा कांस्टेंट के होता है, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जैसे ये चीज़ ग्राफ ऐसे देखेंगे। उसी प्रकार से आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में जानेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, प्रांत और परिसर दोनों सेम होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो मान यहाँ रखोगे वही मान आपके सामने यहाँ आएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। तो इसका रियल नंबर डोमेन भी होता है और रेंज भी क्या होता है, रियल नंबर होता है, डोमेन और रेंज जानते रहे। मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने आपको बता ही दिया, मॉडुलस फंक्शन की कहानी क्या है कि एक्स की वैल्यू अगर जीरो जीरो से बड़ी होगी पॉजिटिव होगा, जीरो से छोटी होगी निगेटिव होगा, और पॉजिटिव के लिए ऐसा ग्राफ, निगेटिव के लिए ऐसा ग्राफ, ठीक है। रेंज के बारे में बात करें तो रेंज के बारे में जानने के लिए एक्स की वैल्यू तो इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, इधर डोमेन हो गई, लेकिन रेंज जो है हमेशा जीरो। आपने देखो एक्स की जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी ही लेंगे, ठीक है, मतलब जो रेंज की वैल्यू लेंगे हमेशा जीरो से बड़ी लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अभी मैंने बता ही दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसको लिखने का तरीका होता है ए वाला, ठीक है, इसमें अगर कोई इंटीजर रखते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा सी आती है, और सी प्लस एच रखते हो तब भी हमेशा कितना आएगा, सी आएगा, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कोई निगेटिव इंटीजर रखोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सी माइनस वन आएगी इसकी वैल्यू। आप ये ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आगे चलते हैं, पर कुछ बातें हैं जो कि अपन को सीखनी है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है उनके बारे में जानना, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है उसके बारे में जानना, कांस्टेंट फंक्शन का, रेसिप्रोकल फंक्शन का, अभी मैंने दोनों को बता ही दिया। पॉलिनोमियल फंक्शन का हमेशा डोमेन भी आर होता है, रेंज भी आर होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मैंने अभी बताया, डोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का भी डोमेन आर होता है, लेकिन जो परिसर होता है हमेशा क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। रेसिप्रोकल फंक्शन में जो डोमेन होता है आर नॉट होता है, आर नॉट का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो लेकिन उसमें जीरो कभी नहीं होना चाहिए, और जो इसका रेंज आता है वो भी आर नॉट होता है, मतलब जीरो को छोड़ करके कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। तो हमने डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा बहुत आपके सामने डिस्कस किया, कल इसके बारे में थोड़ा ब्रॉड डिस्कशन अपन करेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा कम्प्लीटली सारा का सारा थ्योरी समझ में आ जाए, तब इसके जो क्वेश्चन हैं जब आप इसको सॉल्व करोगे देन आप उसको बहुत स्मार्ट वे से सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो इसको पूरा लेक्चर्स लिखें भी, दोबारा रिवाइज़ करें
और कल जो है कुछ हम डोमेन और रेंज आपको बताएंगे, कल के डेट में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद इसे क्वेश्चन आंसर कराएंगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा। आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू, नमस्कार।